For latest videos of Radio Udaan, do subscribe our YouTube channel and press the bell button. Hello, India. Welcome again to your favorite program, Hits It Memories. मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दिल की आवाज रेशमी रेशम और उम्मीद है आप बिल्कुल मस्त होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से जी रहे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में और उम्मीद है तैयार होंगे आप चलने को मेरे साथ इस यादों और बातों के खूबसूरत से कारवां में। बेताब रहती हूँ हर वीक आपसे रूबरू होने को। तो ऐसे ही सुनते रहे प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस अमेजिंग नंबर और बातें करेंगे आगे कुछ और खट्टी मीठी जिंदगी से रिलेटेड। तब तक के लिए सुनते रहे और एंजॉय करें इस सूदिंग नंबर को। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग विद योर आरजे रेशमी रेशम ओनली ऑन Radio Udaan, a flight of life. Yeah.
You are listening your program Hits and Memories with your own RJ Risham. Only on Radio Udaan, a flight of life. तो आज मैं बात करूंगी थोड़ी सी पॉप एल्बम्स और सिंगल्स की. ये हमारी हिट्स एंड मेमोरीज की जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना. पॉप एल्बम्स और सिंगल्स किसी जमाने में बहुत लोकप्रिय थे और 99 के बाद ये बहुत ज़्यादा चलन में आए. 99, 96, 95 से लेकर यही कहें कि जब सोनी म्यूजिक नया नया इंडिया में आया तब पॉप म्यूजिक का एरा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ. कई सारे रॉक बैंड्स आए, बॉम्बे वाइकिंग्स, सिल्क रूट, यूफोरिया, इंडियन ओशन और भी कई सारे बैंड्स, स्ट्रिंग्स और काफ़ी अच्छा एरा लगता है वो मुझे. फिल्म म्यूजिक से कुछ हटके बना रहे थे तब आर्टिस्ट्स और फिर उन्हीं पॉप आर्टिस्ट में से कुछ ऐसे भी रहे जो कि प्लेबैक सिंगर बने, जैसे के मोहित चौहान, नीरज चिदर और कई सारे. और कई ऐसे भी सिंगर्स रहे, प्लेबैक सिंगर्स, जिन्होंने पॉप एल्बम्स किए, जैसे हरिहरन, अलका याग्निक, बाबुल सुप्रियो और एस के चित्रा, काफी ऐसे थे. तो बात करेंगे इस पर आगे कि क्यों वो पॉप एरा मुझे आज भी याद है और क्यों भी आज मेरी हिट्स एंड मेमोरीज की लिस्ट में है वो. तो सुनते रहे प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज. आई बी राइट बैक आफ्टर दिस अमेजिंग नंबर. यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग. रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. तुझको तू है
Welcome again after this amazing number. Dhoonde by Abhijit Sawant. ये भी पॉप एल्बम थी फ्रॉम जुनून. और पॉप म्यूजिक की तरह की बात करी थी मैं उस वक्त. बॉलीवुड म्यूजिक तो अच्छा बन ही रहा था पर पॉप म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा बन रहा था. जी हाँ, उस्ताद सुल्तान खान, पिया बसंती और श्रेय घोषाल, सुनिधि चौहान की भी एक एल्बम आई थी उस्ताद एंड द डिवास, जिसके काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स थे. काफ़ी फेवरेट है वो एल्बम मेरी. तो पॉप म्यूजिक से काफ़ी लोगों को पहचान मिली, बॉलीवुड में करियर मिला. तो तब पॉप इतना लोकप्रिय था और आज पॉप सॉन्ग्स इतने ज़्यादा नहीं आते. आते भी हैं तो उन्हें कोई ध्यान नहीं देता, सुनता नहीं है, क्योंकि तब वो मीडिया टीवी पे भी बहुत आते थे और एफएम भी तो सुनने में मिलते ही थे. पर आज म्यूजिक बॉलीवुड में फिल्म्स इतनी हो गई है, हर फ्राइडे दो दो तीन तीन फिल्म रिलीज होती हैं कि टाइम कम पड़ जाता है कब किसके सॉन्ग्स बजाएं. तो पॉप म्यूजिक कहीं पे पीछे रह गया है. साथ ही में तब के पॉप म्यूजिक की एक क्वालिटी होती थी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी. लिरिक्स काफ़ी प्यारे होते थे और कॉम्पोजिशंस मेलोडियस होती थी. पिया बसंती रे बजाऊंगी आपके लिए बहुत प्यारा सॉन्ग है, इसके चित्रा और सुल्तान खान की आवाज़ में, पिया बसंती एल्बम से. तो इसी के साथ सुनते रहे प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज. आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस नंबर. यू गाइस स्टे ट्यून एंड कीप लिसनिंग. रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. I make her upon the curse. We tell you, girl, that we have no time to waste. We're not living a vanity. A true love is coming to see. So them a come and them a mouth and moan and yell. And me a tell them, say, girl, you do well. So them a come and them a mouth and moan and yell. Some of them a fell, some a wish well. Baby, with you by my side, my love has come alive. I fly so high that I can touch the sky. Baby, I'm in paradise. My stars of love all shining bright. Don't walk away now, don't you say goodbye. Let's take it slow. Don't say you gotta go. Let's take it slow. जमाना है कितना अनजाना है जो दिल की राहों से है बेखबर. मेरी बाहों में झूल जा, सारी दुनिया भूल जा. नई है मंजिल है नया सफर. है प्यार का तुझे वास्ता, है प्यार का तुझे वास्ता. Me love you, woman. Some of them are there, man, they can't understand. For me, if you come, I put up emotion. Yes, girl, you bring me in as some kind of fiction. That nagalection. Yes, mommy, I'm a lover and a true. Dancing and the party and the things where them do. I hope my voice, it is clear for you. Cause things me, I do it for you. Hey, pyarika, tujhe vaatsata. Hey, pyarika, tujhe vaatsata na ja. छोड़ दो आज़े समान क्या कहेगा.
Welcome in the program Hits and Memories. आप हैं मेरे साथ यानी आपकी अपनी दिल की आवाज रेशमी रेशम Only on Radio Udaan, a flight of life. तो पॉप इंडी पॉप एरा की बात कर रही थी मैं जी हाँ अलीशा चेन्नई भी उनमें से एक है जिन्हें बाद में बॉलीवुड में ब्रेक मिला और उनकी पहली एल्बम थी मेड इन इंडिया जो कि बहुत सक्सेसफुल रही थी तो मैं ये थी पॉप एरा की एक और बात मुझे काफी अच्छी लगती है लोकेशंस क्रिएटिविटी निकल के आती है आर्टिस्ट की गाने भी लिखता है कंपोज भी करता है गाता भी है एक्टिंग भी है तो सबसे ज्यादा लोकेशंस जो मुझे पसंद आती थी सोनी म्यूजिक की पसंद आती थी सोनी म्यूजिक के एल्बम्स में आप देखेंगे इतनी ग्रीनरी दिखाई जाती थी इतना फॉरेस्ट एरिया बहुत होता था सोनी म्यूजिक के एल्बम्स में एक अलग ही नज़ारा होता था काफ़ी अच्छा लुक देता था और उससे सूदिंग नंबर जैसे प्यार के पल हो गया के काफ़ी सॉन्ग सोनी म्यूजिक के थे तो लोकेशंस काफ़ी पसंद आते थे मुझे और म्यूजिक तो था ही था और तब वो सॉन्ग्स यूथ को पसंद भी आते थे आज तक चलते हैं यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है ना हम रहे या ना रहे याद आएंगे प्यार के पल तो आज म्यूजिक का लेवल इंक्रीज नहीं मुझे लगता है डिक्रीज हुआ है जो अच्छा म्यूजिक पहले आता था गानों को सुनने में बहुत प्यारा लगता था वो आज कहीं गुम हो गया है मैं ये नहीं कह रही आज अच्छे गाने नहीं आते अच्छे गाने बिल्कुल आते हैं बेशक आते हैं पर गिने चुने अरिजीत सिंह जुबिन नौटियाल यही दो नाम निकल के आते हैं जिनके सूदिंग नंबर्स सुनाई दे या हरीश्ता गाने एक नए कंपोजर आए उन्होंने काफी अच्छा काम किया तो अगर आपका भी कोई फेवरेट पॉप सॉन्ग है तो मुझे रिक्वेस्ट कीजिए मैं अगले शो में उसको जरूर प्ले करूंगी और अगर आपकी उस सॉन्ग से जुड़ी कुछ यादें हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ फीडबैक दे सकते हैं आप आरजे रेशम के ट्विटर हैंडल पर या फेसबुक प्रोफाइल पर या फिर रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाके फीडबैक सेक्शन में छोड़ सकते हैं स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग
फिल्मों की कहानियाँ होती है हमारी जिंदगी की तरह, जिनमें होता है एक्शन। ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इमोशंस। छोड़ मुझे भगवान के लिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। रोमांस। अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। कॉमेडी। उठा ले रे बाबा, उठा ले मेरे को, नहीं रे इन दोनों को उठा ले। और ढेर सारा म्यूजिक। ऐसे ही बहुत सारी फिल्मों की कहानियाँ हम आपको सुनाएंगे प्रोग्राम बायोस्कोप में, हर शनिवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर रविवार दोपहर 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइज ऑफ लाइफ। के बाद मैं आरजे दिव्य शर्मा लेके आ रही हूँ इंस्पिरेशनल वेइंग सीजन 3। जी हाँ दोस्तों, एक शो जो आपको लेके जाएगा पॉजिटिविटी की तरफ, अ शो टू मेक यू फील अप एंथुजियास्टिक एंड पॉजिटिव। तो अगर आप भी चाहते हैं पॉजिटिविटी का तड़का अपनी जिंदगी में, तो जरूर सुनिएगा इंस्पिरेशनल वेइंग सीजन 3 Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. only on Radio Udaan, a flight of life. Stay happy, stay positive, stay healthy. उफ़ो मम्मा, कहाँ जा रही हूँ? मुझे बहुत शर्म पकड़ना है और मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? उफ़ो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा। मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं आप किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे, तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बॉलीवुड के कुछ चटपटे रसीले किस्से, यहाँ बना तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। आपके अपने चहेते कलाकारों की संघर्ष से सफलता की कहानियाँ। जब आंसू खत्म हो जाते हैं डॉक्टर, तो रोने का काम हंसी से लेना पड़ता है। और उनके कुछ रोमांचक किस्से। तुम्हारा प्यार अगर मेरा साथ लेता तो मुझे जिंदगी में यह खुशी कभी नसीब ना होती। मैं रफ्तारी रुचिका लेकर आती हूँ आपके पास उस शो में जिसका नाम है बीते लम्हे। बुधवार शाम को 7 से 8 सुन सकते हैं और रिपीट टेलीकास्ट सुनेंगे बृहस्पतिवार को दोपहर 2 से 3। सुनते रहिए बीते लम्हे रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाता है PYAR, यानी कि प्यार। मेरी लाइफ में सिर्फ दो चीज है, प्यार 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 या मोर मोर मोर। करिए अपने प्यार का इजहार एक अनोखे तरीके से, शेयर करिए अपने प्यार की कहानी विद मेरी जुबानी। अपने प्यारी सी लव स्टोरी को शेयर करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं PAATEL@gmail.com पर, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudaan.com। सुनते रहिए जिंदगी खूबसूरत है विद आरजे धड़कन, ऑल योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार तू आजकल क्लास में बहुत आंसर्स दे रही है, कोई मेमोरी बढ़ाने की मेडिसिन ले रही है क्या? ये मेरी मेमोरी का कमाल नहीं, ईवो E5 डेजी प्लेयर का कमाल है, जिसने हम विजुअली चैलेंज लोगों की स्टडीज को और आसान बना दिया है। ओ, तो ऐसी भी क्या खास बात है इस ईवो E5 में?
अरे ई बुक्स पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है स्टॉप वॉच, वॉइस रिकॉर्डर, कैलकुलेटर, टॉकिंग कंपास, एफएम रेडियो जैसी यूजफुल चीजें एक साथ है। अमेजिंग। लेकिन यार पीडीएफ फाइल्स पढ़ने का भी कोई जुगाड़ है इसमें? अरे पीडीएफ टेक्स्ट के अलावा ई टेक्स्ट, ई पब, डॉक्यूमेंट फाइल और एचटीएमएल फाइल्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इसे संभालेगा कौन? अरे ये तेरी पॉकेट में आसानी से आ जाएगा। बैटरी के साथ इसका वेट सिर्फ 76 ग्राम्स है। इंटरनल फ्लैश कैपेसिटी 4 से 8 GB, सपोर्टेड माइक्रो एसडी कार्ड, एक्सपेंडेबल मेमोरी अप टू 32 GB। बस बस यार जल्दी बताइए मिलेगा कहाँ से? अरे और कहाँ, सक्षम से हेल्पलाइन नंबर दूं क्या? अरे मेरे पास भी है 011-6465-0655। ईवो E5 डेजी प्लेयर न्यूआंस वोकलाइजर के साथ अंग्रेजी के अलावा 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये भाषाएं हैं हिंदी, कन्नड़, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु। ईवो E5 डेजी प्लेयर के लिए थैंक्स सक्षम। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं इंडी पॉप स्पेशल हिट्स एंड मेमोरीज। मेरे साथ मैं हूँ आपके अपने दिल की आवाज रेशमी रेशम, और इंडी पॉप एरा का मेरा फेवरेट बैंड अगर मैं कहूँ वो है वन एंड ओनली यूफोरिया। यस, यूफोरिया मेरा बैंड सबसे फेवरेट रहा है, उनके सॉन्ग्स वाओ, मायरी तो हर एक ने सुना होगा ना, तो बहुत प्यारा बैंड है, बहुत प्यारे सॉन्ग्स बनाते थे वो लोग और मिलता था, और आज भी रिकॉग्नाइजेशन है। बट जैसे सनम बैंड हो गया, वो बहुत अच्छे गाने बनाते हैं यूट्यूब से, बट उनके ज़्यादा कवर सॉन्ग्स होते हैं। तो यूफोरिया और पहले के बैंड्स लाइक ओरिजिनलिटी काफ़ी देखने को मिलती थी। आज हमारे पास बेटर इक्विपमेंट्स हैं, बेटर माइक्स हैं, बेटर स्टूडियोज हैं, बट फिर भी हम रिक्रिएशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप में टैलेंट है तो ओरिजिनल बनाएं, नहीं तो दूसरों को मौका दें जो वो ओरिजिनल बना सकें। कई ऐसे अच्छे अच्छे कंपोजर्स हैं जो कि ओरिजिनल वर्क करते हैं बट उनके वर्क को रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। तो इंडी पॉप का मेरा फेवरेट सॉन्ग कई सारे हैं, मेरी प्लेलिस्ट सबसे भरी पड़ी है, मैं जब भी सुनती हूँ मुझे मेरे स्कूल डेज याद आ जाते हैं। एंड आई होप आप में से जो भी आज मेरे शो सुन रहे हैं, अगर आपने सब सॉन्ग्स पहले सुने हैं अपने स्कूल डेज में, तो आप जरूर उन बीते लम्हों में चले गए होंगे। इसलिए तो शो का नाम है ना हिट्स एंड मेमोरीज, यानी कि मेमोरीज में बसे हुए ऐसे हिट्स जो कि आज के ही खो चुके हैं, उन्हें मैं पन्नों में से ढूंढ ढूंढ के जिंदगी के लेकर आती हूँ अलग अलग एरा के सॉन्ग्स को। तो आइए यूफोरिया का ही एक सॉन्ग सुनते हैं जो कि मेरा पर्सनल वाला फेवरेट है, आपको भी पक्का पसंद आएगा, स्कूल डेज से की पक्का याद आएगी। सुनते रहिए, आई बी राइट बैक आफ्टर दिस सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग, रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुशनसीबी। हम रहे या ना रहे कल, कल याद
याद आएंगे ये पल पल, ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग, चल चल, सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी। वेलकम 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 आफ्टर दिस अमेजिंग नंबर, आप सुन रहे प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दिल की आवाज रेशमी रेशम। इंडी पॉप एरा की बात की आज मैंने, उम्मीद है आपको भी अपने स्कूल के डेज पक्का याद आ गए होंगे। और
जैसे जैसे म्यूजिक की क्वालिटी रहती है ना, वैसे ही मीडिया की भी क्वालिटी। उस टाइम पर एफएम रेडियो की बात करें तो बहुत ही बेस्ट किस्म का एफएम रेडियो था। आरजेस की क्वालिटी, शोज की क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी थी। और आज के एरा में अगर मैं कंपेयर करूँ तो डोंट माइंड मी, बट मैंने रेडियो सुनना छोड़ दिया है, जो कि एटलीस्ट 12-12, 14-14 घंटे रेडियो सुनता था जो पर्सन, वो भी रेडियो से बहुत कम टच में। क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं शोज की क्वालिटी गिर गई है और ब्रेक्स इतने आ गए हैं कि आप कुछ इमेजिन नहीं कर सकते। जब मेरा रेडियो का एरा था तब ब्रेक्स होते थे बट काफ़ी लिमिटेड और कम होते थे, और नाइट शोज भी काफ़ी अच्छे होते थे कि आपको पूरी रात जागने में मदद करेंगे। तो इंडी पॉप एरा मेरे लिए म्यूजिक का बेस्ट एरा था। आपके लिए म्यूजिक का बेस्ट एरा कौन सा है, शेयर करना मत भूलिएगा मेरे साथ। मैं पहले बता चुकी हूँ फीडबैक में, और शो के लिए कुछ सजेशंस है तो जरूर दीजिएगा। बोरिंग लगता है तो भी बताइएगा, इंटरेस्टिंग लगता है तो भी बताइएगा, क्या थीम रखूं, क्योंकि आपको पता है मुझे इनकरेजिंग और काउंसलिंग करना भी काफी पसंद है। क्या थीम चाहते हैं आप, मेरे सर्च करके आपके लाओ भेज सकते हैं मुझे। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, खुश रहिए, खुश रखिए अपने अपनों को, और हिट्स एंड मेमोरीज के साथ जुड़े रहिए और अपनी यादों में उन हिट्स को सजो कर रखिए। सुनते रहे रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ, और उसके बाद सुने कहानी लव सॉन्ग की आरजे मिश्री के साथ। I'll be right back in music masala with you Thursday को। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर। चला के जाती हूँ ये एक अमेजिंग इंडी पॉप नंबर, स्टे ट्यून्ड एंड बाय।
से कहूं ए मायरी, अब क्या करूं, कासे कहूं ए मायरी।